दोस्तों माय जानल, ये देखिए दोस्तों हमने ये प्याज के छिलके लिए हैं और उनको पानी में भिगो कर रख दिए दोस्तों। और इसमें हमने इन छिलकों में ये हरा चाय पत्ती जो आती है वो ला कर रखी है, तो वो भी हमने इसमें, ये अभी कम से कम 15 लीटर पानी है उसमें डाल दिया है, इतना चाय पत्ती, खराब चाय पत्ती डाल दिया है। उसके बाद में हमने इसमें ये हल्दी भी डालकर रखा है दोस्तों, ये हल्दी, उसके बाद में चाय पत्ती और उसके बाद में प्याज के छिलके, ये मिलकर हमने डाल दिए है। अभी क्या करेंगे दोस्तों, हम ये मैंने 2 दिन से इसमें भिगो कर रख दिया है, अभी ये पानी निकाल कर हम पानी में मिक्स करके फिर प्लांट को देंगे दोस्तों। तो हमको ये जो इसमें जो अभी एक खाद तैयार हुआ है इसको हमको निकालना है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे दबा देंगे ये, और इसमें से ये देखिए दोस्तों, ये इतना हमने इसमें डाल दिया है, और अभी ये हम इसमें पानी मिक्स कर देंगे। कम से कम ये हमने खाद लिया है 40% और 60% पानी, इस हिसाब से हम मिलाकर पूरे पौधों को गार्डन के डाल देंगे। ये स्टेप में हम थोड़ा थोड़ा हर प्लांट को पानी डाल देंगे दोस्तों। ये हमने प्लांट को इस टाइप में सब प्लांट को हम डाल देंगे दोस्तों। इसमें जो आपको खाद में पूरा एनपीके में से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेगा वो सब इसमें से आपको मिलेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें हमने प्याज के छिलके डाले, तो प्याज के छिलकों में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हर प्रकार के होते हैं। और एक बढ़िया चीज़ ये होती है कि अगर आप इसका फवारा भी कर देंगे, इसका अगर आप फवारा भी कर दोगे तो आपके इसके ऊपर कोई मच्छर नहीं बैठेगा या कोई भी मिलीबग्स या कुछ इस बीमारियों से आपका प्लांट दूर रहेगा दोस्तों। तो इसके लिए आप जितना करके ज़्यादा करके ये आप इस्तेमाल करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि अभी अक्टूबर स्टार्ट है, अक्टूबर के 15 तारीख भी अभी चली गई है दोस्तों। तो अभी क्या है, अभी मौसम थोड़ा ठंडा होने लगा है, और जो पहले अक्टूबर के 10 दिन थे ये अभी गर्मी के थे बहुत, और अब हवामान चेंज होने लगा है, तो उसके वजह से जो प्लांट अभी है उनको पानी की भी अभी कमी रहेंगी दोस्तों। क्योंकि आपको सोचना चाहिए कि अभी पहले 15 दिन में बहुत गर्मी गिर रही थी, तो हमको सुबह शाम पानी डालना पड़ रहा था, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हर गमले में हमको गुड़ाई करके थोड़ा थोड़ा उसमें आप गोबर की खाद डाल सकते हो, क्योंकि फिर उसमें क्या है, थोड़ा सा जो कड़कपना मिट्टी में आ गया था सुबह शाम पानी डालने से वो कम हो जाएगा खाद डालने से, और फिर आप डेली पानी आपके प्लांट के हिसाब से या गमले के हिसाब से डालते रहिए, चेक करते रहिए उंगली डालकर कि 1 इंच उंगली डालने का गमले में, और नीचे अगर आपको मॉइस्चर लगे तो पानी नहीं डालने का, और अगर उसमें नीचे तक सूखा हुआ है तो फिर पानी डालने का दोस्तों। तो ये बहुत समझने की चीज़ें है दोस्तों, आप इतना भी संभाल लोगे तो आपके कोई भी प्लांट में कोई ख़राबी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, हम ये खाद दिखाने के लिए आपको वीडियो बना रहे थे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।